नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वागले की दुनिया में टीवी शो में आपको पता था कि एक बहुत बड़ा कैमियो चल रहा था गुलकी जोशी का, जो कि मुझे लग रहा है कि अब समाप्त होता हुआ नज़र आया है। फिलहाल आपको पता है कि प्रियंका के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उसे इंसाफ मिल चुका है, क्योंकि गुलकी जोशी ने जिस तरह से प्लान, अर्थात बोले तो हसीना मलिक ने जिस हिसाब से प्लान बनाया था, वो प्लान जो है कामयाब होता हुआ नज़र आया है। आज के एपिसोड में दिखाया गया कि लोग सभी जो है धरना दे रहे हैं, और धरना देने का एक ही मकसद है ताकि ये मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचे कि हमारी बेटियाँ जो है सुरक्षित नहीं है और इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल सभी लोग रोड पर उतर आए थे, सभी लोग सोशल मीडिया के थ्रू ये धरना दे रहे थे, और ये जो धरना था वो मुख्यमंत्री के पास गया, और मुख्यमंत्री ने प्रियंका को अपने पास बुलाया और बोला कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, किसने क्या किया है। फिर सभी ने पॉलिटिशियन के बेटे का नाम बताया, जिसका नाम है वीराज। वीराज का सभी ने उसको नाम बताया, फिर वीराज को जो है सजा मिली। फिलहाल वीराज ने अपने दोस्त को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, हर वो तरह से वीराज अपने दोस्त को फंसाना, यानी कि अमन को फंसाना चाह रहा था, लेकिन अमन फंसा नहीं। और जो है वीराज को मुझे लग रहा है कि अब सजा हो जाने वाली है और प्रियंका को इंसाफ मिल जाने वाला है, और यहाँ से अब हसीना मलिक का जो काम है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आया है। फिलहाल आगे देखने वाली बात रहती है कि वीराज को सजा मिलती है, गुलकी जोशी शो आउट होती है या फिर नहीं। आपका इसके ऊपर जो भी रहेगा, नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो के चैनल पहली बार आए हो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।